बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल मुंडा यूट्यूब चैनल ते आसिफ हुसैन दा सारयां नूं सलाम हो गया जी। नाजरीन, साबका सुसर ते साबका जवाई दे दरमियान टेलीफोन कॉल हुई, कॉल लीक हो गई। अज मैं वो तुहाडे वास्ते लैके हाजिर होया वां, तुसीं जरा सुनो कि दोनों ने की गिले की शिकवे कीते एक दूसरे दे नाल, ते फिर करांगे बाकी गल। आजो फिर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बधाई हो दामाद जी तीसरी शादी के लिए। तीसरी शादी? आप कौन बोल रहे हैं? आप, मैं तेरा दूसरी शादी वाला जो सानिया मिर्जा, उसका उसका पापा बोल रहा हूँ, तेरा ससुर बोल रहा हूँ। हाँ पापा जी, आप मुझे फोन दिए किस लिए? किस लिए दिया? तुझे समझ नहीं आता भोसड़ी के? तूने मेरी बेटी को वो क्या किया? वो छोड़ दिया मेरी बेटी को? देखिए, मैं ये आपको गलत फहमी हो रही है, आपकी बेटी को मैंने नहीं छोड़ा बल्कि उसने मुझे छोड़ा। कैसे 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 छोड़ा? उसका कहना है कि मेरा परफॉर्मेंस बहुत खराब है, माठ में भी खराब है, फील्ड में भी खराब है और घर में भी खराब है, तो उसको मुझसे नहीं हो रहा है, इसलिए वो मुझे बोला कि तुम मुझे छोड़ दो। क्या नहीं हो रहा है? ये पापा जी, आपको मैं कैसे कहूं? ये आपको मैं कैसे कहूं? आप नहीं जानते। ओ, तू तेरा वो चल नहीं रहा, वो इंजन जी नहीं चल रहा ना? कि अब तो समझ लिए आप, अभी भी समझ लिए, लेकिन तेरा इंजन अगर नहीं चल रहा है तो तीसरी शादी कैसे कर रहा हो? उसको तो कैसे हैप्पी रखेगा? आप इस बात को आप थोड़ा गौर से सुनिए, मैं एक बात कर रहा हूँ। देखिए, आप तो इंडियन है, प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा? पाकिस्तान में आना माना, प्रोग्राम तो बढ़ गया। पाकिस्तानियों को भी इंडिया में जाना माना है। हाँ, मैं सानिया को पाकिस्तान में नहीं ले आ सकता हूँ और मैं भी आपके घर नहीं जा सकता हूँ इंडिया में, ठीक है? तो सानिया और मुझे मिलना पड़ता है किसी और देश में, लाइक दुबई में। हम ज्यादातर दुबई में मिलते हैं और वहीं पर रहते थे, तो वो तो बहुत अच्छी जगह है, वो वहाँ भी रह सकता है। तो प्रॉब्लम क्या? वहाँ का पैसा क्या आप दोगे रहने के? वहाँ का कॉस्ट जानते हैं आप एक रात का? तू तो बहुत ज्यादा इनकम करता है और मेरी मेरी बेटी का जो इनकम है ना, वो तुझसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अरे भाई, वो इनकम तो मैं नहीं खा सकता, वो तो सानिया इंडिया में भी खर्च कर रहा है, वो पाकिस्तान में तो नहीं खर्च हो रहा है, ठीक है? तो इसलिए मैं पाकिस्तान का जो एक्टर एक्ट्रेस है साना जावेद, वो उसके साथ मैंने थोड़ा टीवी सी किया है, थोड़ी बहुत शूटिंग की है, वही से हम लोगों का मिलना जुलना हुआ है, तो उसके बाद हमने उसके शादी के प्रपोजल दिए और वो भी मान गए, और उसकी पहली शर्त थी सानिया को छोड़ दो। तो मैंने भी सोचा, सानिया को तो वैसे ही मैं मन से छोड़ दिया क्योंकि उसको तो मैं पास नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं ये डिसीजन लिया। सानिया के सामने ये तो बहुत छोटी है, बच्ची है, तूने तूने एक बच्ची को शादी की, ये तो कैसे किया? प्यार में बच्ची बुच्ची किस नहीं होता, प्यार प्यारी है, ठीक है ना? लेकिन अगर अगर एक ओल्ड इंजन में एक नया इंजन तू सेट कर रहा है तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगा? वो हम एडजस्ट कर लेंगे, उसकी फिगर आप मत करो। तुझे ना कमेंटेटर बना के इंडिया में बुलाऊंगा, उसके बाद होगा खेल। मैं इंडिया में कभी नहीं आऊंगा, ये आप लिख के ले लो, ठीक है? मैं जानता हूँ मैं इंडिया में आने से मेरा क्या होगा, आप मेरा कबाब बना दोगे। तेरा कबाब तो बनाऊंगा, वो तो हो गई, तेरे तेरी हड्डियों के साथ मैं भजिया तेलूंगा। साले, तूने बहुत ही बुरा किया मेरी बेटी के साथ, तूने बहुत ही नाइंसाफी की, ये इंसाफ नहीं है। उसका उसका जो बच्चा है, वो बच्चे का टेक केयर तू करेगा? वो बच्चा ऑफ कोर्स मैं, वो बच्चा तो मेरा भी है, उसके लिए मेरा फीलिंग्स वो बहुत अच्छा है और उसके अच्छा, ख्याल में रखूंगा। अच्छा, 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 हमेशा। तू एक और शादी भी तो कर सकता है, राइट? अभी तक तो तीन कर चुके हैं और एक बाकी, अगर सामने कुछ और सुंदर मिल जाए। इंडिया का एक हीरोइन है, वो उसे सानी लियोन कहते हैं, तो उसे शादी कर ले, वो बहुत अच्छी है, तुझे बहुत अच्छी रखेगी। क्या बात कर रहा है? हाँ हाँ, सच में तेरा मैं ससुर हूँ, मैं मुझे तो पता है, और
मैं तुझे को एक ऑफर दे रहा हूँ, अगर तू आप सेट करा सकते हो उसके साथ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, सानी सानी लियोन। ठीक है, कैसे मिलेंगे उसके साथ आप भी बताओ। तू इंडिया आ जा, उसके साथ तुझे मिला दूंगा। ठीक है ठीक है, तो आप एक इंडिया में एक रेस्टोरेंट में मेरा मीटिंग फिक्स कराओ। ठीक है तू आ जा, मिलते जुलते है, तू पहले आ, उसके बाद मैं देखता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, तो फिर एक डेट भेज दो आप मेरे इस नंबर के व्हाट्सएप पे, मैं उसी डेट पे। ओ ये बात तो सही है, मैं इंडिया नहीं आ सकता, मैं चाहने से भी नहीं आ सकता। नहीं 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 ठीक है, मुझे वीसा नहीं मिलेगा, आप दुबई सेट करो। तू तो सनी लियोन के साथ शादी करना चाहता है ना, तो आ जाना। तो मैं आ नहीं सकता, मेरा वीसा नहीं मिलेगा, आप वीसा की बंदोबस्त कर सकते हो तो। हाँ हाँ वो मैं कर दूंगा। ठीक है तो फिर मैं आऊंगा। आजा 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 आजा, तू आजा इधर, तेरे तो, साथ बहुत ज्यादा बात करनी है। तो, हाँ, मैंने तो, मैंने मैंने बहुत लोगों को सेट करके रखा है तेरे लिए, तू आजा प्लीज, तो प्लीज प्लीज आजा, प्लीज आजा। फिर तो हो ही गया। हाँ, मेरा कोटा फिलअप कर रहे हो, चार शादी का कोटा है। हाँ, आप तीन कर चुके और सानी लियोन के साथ चार कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैं सानिया मिर्जा से भी मिल लूंगा, मेरे बच्चे से भी मिल लूंगा, और आपके साथ भी थोड़ा बातचीत कर। तू इधर आ जा, उसका उसका एक शादी है, उस शादी में तू अटेंड करेगा, डोंट वरी। किसका शादी है? हाँ उसके साथ एक एक हीरो का शादी है, इंडिया इंडिया का एक हीरो है, वो सानिया मिर्जा को बहुत पसंद करता है, तो मैं उसके साथ शादी सेट कर रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह मैं उस शादी में अटेंड करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, आप मेरा वीसा का बंदोबस्त कर लो। ठीक है ठीक है दामाद जी, ठीक है, आप अच्छे रहे, आप अच्छे रहे, आप इंजॉय करे, इंजॉय करे। ठीक है पापा जी, आपके आशीर्वाद मेरे साथ रहे तो मेरा 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 सुंदर होगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा है और रहेगा, तो आ जा, उसके बाद मैं तुझे और भी ज्यादा आशीर्वाद दूंगा। ठीक है पापा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नाजरीन, अगर वीडियो चंगी लगी हो तो जरा चैनल को सब्सक्राइब मारो, फिर मिलेंगे किसी दिन नेक्स्ट वीडियो च। अपना बहुत सारा ख्याल रखियो, रब सोने दे हवाले।